वेलकम बैक। और आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। सो अभी क्योंकि दिवाली वाले दिन तो अमावस्या होती है, तो सबसे पहले सुबह सुबह अमावस्या की तैयारी हो रही है। तो खीर तो क्योंकि शाम को बननी है, तो अभी चावल बना रही हूँ। वैसे अमावस्या पे डेली सुबह खीर ही बनती है, बट आज चावल बना रही हूँ क्योंकि खीर रात को बनेगी। सो अमावस्या निकाल देती हूँ और फिर सारा दिन क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। नानू क्योंकि सुबह सुबह जा रहे थे, मैंने उनको ड्यूटी दी थी फूल लाने की और सब्जी एंड फ्रूट्स लाने के लिए, तो वो जा रहे थे। उन्होंने मुझे गेट पे छोड़ दिया था क्योंकि मैं अमावस्या की रोटी खिलाने गाय को बाहर गई थी, तो उन्होंने मुझे गेट पे ड्रॉप कर दिया था। और गाय को रोटी देने के बाद ही मैं फिर मंदिर भी चली गई थी। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और दिवाली वाले दिन अच्छा है ना, फिर सुबह सुबह मंदिर भी हो गया। अभी अमावस्या वगैरह तो हो गई थी और सफाई भी हो गई है घर में, और नानू को सुबह सुबह भेज दिया था, बहुत सारे फूल लेके आए हैं नानू, कितने सुंदर सुंदर है ना। और अब बाहर फूलों की रंगोली बना देती हूँ, सबसे पहले थोड़े से फूल लगा देती हूँ, तो वो काम सबसे पहले करेंगे। ये माला मिल गई थी फिरोई हुई, इस तरह की पत्ते वाली भी और फूलों वाली भी, और खुले फूल भी लाए हैं हर तरह से, जो मैंने मंगवाया था सारे ले आए हैं। सब्जी वगैरह ये सब ले आए थे सुबह, तो मैं इनको गेट पे लगा देती हूँ। और मम्मी करिए धनिया साफ, चटनी वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले ना उरली के फूल चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो पहले 2-4 दिन हो गए ना शायद, तो इनको चेंज करती हूँ और फिर फूलों वाली ही रंगोली बनाऊंगी मैं। कलर वाली मुझे बनानी नहीं आती और मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगती जो कलर से बनती है, फूलों वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो सब बना सकते हैं, तो फूलों वाली की रंगोली बनाने वाली। वैसे ना पानी में फूल इतने ख़राब नहीं होते हैं, बट मैं इनको निकाल के चेंज करूँगी। ये वाले हो गए बाउल वाले जो बिना पानी के थे। दिवाली वाला दिन मुझे ना बहुत छोटा लगता है, बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, पता ही नहीं लगता कब उठे और कब शाम हो गई। और ऐसे ही कोई ना कोई आ जाता है, जैसे आंटी आ गए थे तो पता ही नहीं लगता टाइम का। कुछ तो स्वीट्स लेके आऊँगी और एक आंटी है, मैं उनको घर जाऊँगी। और अभी आंटी आ गए थे, तो दिवाली वाले दिन तो बिजी डे रहता है पूरा दिन, बस पूछो मत। और फिर आके बस खाने की तैयारी करूँगी शाम की। और
और मुझे ना पूजा मिली है यहाँ पे और हम साथ में अरविंद करते हैं। पूजा कितनी सुंदर लगती है ना। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबकी तरफ से थैंक यू। मैंने आप लोगों की तरफ से थैंक यू बोल दिया है। बाय बाय। और हल्दीराम बिल्कुल खाली हो गया वहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं था। कोई भी बास्केट वगैरह जो गिफ्ट हैम्पर वाली आती हैं, कुछ भी नहीं था। और नानू दो दिन पहले लेके गए थे क्योंकि हमने मोस्टली धनतेरस वाले दिन ही जो देना था वो सब दे दिया था फ्रेंड्स में, फैमिलीज में भी। तो आज आए थे और कुछ नहीं मिला। मुझे लग रहा था माही के लिए मैं एक बास्केट ले लूँ चॉकलेट वाली, पर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली। और क्या बस, और लास्ट हमें एक लड्डू जो चाहिए थे वो लास्ट एक डब्बा नानू बता रहे हैं कि लास्ट बचा था वो ही हमें मिला है, तो शुक्र है वो तो मिल गया। मिठाई घर के लिए तो इतनी लानी नहीं थी क्योंकि जो बनेगा उसी का भोग लगना है, तो इस तरह की मट्ठी वगैरह लेके आई हूँ, बस 3 पैकेट और एक मोतीचूर का लड्डू बस, क्योंकि वो गणपति जी के भोग लगाना है। बाकी अब 2:30 हो गए और मैं आ गई हूँ किचन में, अब खाने की तैयारी करते हैं। मेरा फास्ट है आज, तो मैं लक्ष्मी पूजन के बाद, पूजा हो जाएगी शाम की फिर खाना खाऊंगी। तो खाने में क्या क्या बनाना है वो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो पहले मैंने मूंग की दाल भिगो रखी है, तो मूंग की दाल का हलवा बनाना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो सबसे पहले उसको मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं भिगोई, 2 कप दाल है, तो इसका हलवा बना लेते हैं। पहले इसको धो लेती हूँ अच्छे से, फिर पेस्ट बनाते हैं। तो घी तो भर के अच्छे से डलेगा, मूंग के हलवे में सबसे ज़्यादा तो घी डलेगा ना। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है फिलहाल तो, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना पेस्ट। सो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा घी डाल दिया है और इसको भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक इसका कलर ब्राउन ब्राउन सा हल्का नहीं हो जाएगा तब तक इसको भूनते रहो, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। जल्दी लग गई, श्योर नहीं, और इसमें बहुत सारा घी डाल चुकी हूँ उसके बाद तो मैं, क्योंकि इसमें घी तो डलता है। भिगोना छोटी कढ़ाई से बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि वो अब इतना फूल गया था दूध वगैरह डालने के बाद। और इधर मम्मी ने खीर चढ़ा दी है चूल्हे पे, एक पे, और इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। इतने खीर बन जाएगी शायद ये हलवा नहीं बन पाएगा। तो मैं तो किचन में बिज़ी थी और फिर देवर देवरानी आ गए थे और वो मम्मी के साथ ही बैठ के बातें करी। मैंने चाय वाय तो पिला दी थी क्योंकि किचन में ही काम था, और भैया भाभी एक दिन पहले आए थे, तो बस ऐसे ही 2-3 दिन तो आना जाना लगा ही रहता है। तो अभी मटर पनीर की सब्ज़ी, और मैं लगा लेती हूँ आटा, फिर पूजा की तैयारी करनी है क्योंकि 5 बजने वाले हैं। ये लग रहा है पूरी का आटा, इसमें मैंने अजवाइन बेसन वगैरह सब डाल लिया। और फिर खाना बनाते बनाते ध्यान आया कि दिए भी भिगोने हैं, तो मम्मी ने फिर जल्दी से दिए भी भिगोए। तो दिवाली वाला दिन ऐसा ही होता है, एक काम ख़त्म होता है, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा याद आता रहता है, और पूरा दिन बस कामों का सिलसिला चलता रहता है। और उस दिन काम करने से ना थकान भी बिल्कुल नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। सो 5 बज गए हैं और आटा लग गया, इधर मूँग का हलवा बन गया है, और इधर एक सब्जी बन गई है, और इधर खीर बन गई है, ये खीर भी बन गई है। खाना ऑलमोस्ट सारा तैयार हो गई है, इस खाने की तैयारी, और एक सब्जी और बनाऊंगी, गोभी आलू अगर बनाती हूँ तो वो लेट बनाऊंगी, पहले पूजा की तैयारी करूँगी अब क्योंकि 5 बज गए हैं और 7 बजे पूजा करेंगे। इधर किचन के सामने यहाँ पे चौकी लगाई है, यहाँ पे करेंगे लक्ष्मी पूजन, तो मैं यहाँ पे ये तैयारी कर देती हूँ। की भी ऑलमोस्ट तैयारी मैंने कर दी है, और माही और मैं मोस्टली मैचिंग मैचिंग होते हैं, क्यों माही? मैचिंग मैचिंग। और माही के साथ यहाँ भी खेल रही है रेवा। क्या खेल रहे थे? फ्री फायर। हाँ, देख रही थी उसको। तो रेवा माही की और सनी की फ्रेंड है। और मैंने क्या पहना है अभी मैं पूरा दिखाती हूँ फिर, क्योंकि मैं चेंज करने वाली हूँ पूजा के लिए, तो पहले ये तो दिखा दूँ क्या पहना। हाँ, चीम चीम कलर मामा बेटा, चीम चीम कलर, चीम चीम कलर। सबको हैप्पी दिवाली तो बोल दो माही। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
अच्छे से बोलो, थोड़ी एनर्जी से, इतना बड़ा फेस्टिवल है। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। सो मैंने इतना घेर वाला कुर्ता पहना हुआ है सुबह से, अच्छा लग रहा है ना। एक फोटो हो जाए, फोटो फोटो यार। इसको फैला के बैठी हूँ और इतना घेर है इसके अंदर, बहुत ये देखो पूरा, मतलब पूरा एक लहंगे जितना घेर है इस कुर्ते में, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चेंज करके आती हूँ। पूजा तो हमने कर ली है और 8 बजने वाले हैं अभी, और अब जल्दी से बच्चे को खाना खिला देती हूँ, नहीं तो बिना खाना खाए पटाखे चलाने चले जाएंगे। मैंने अभी साड़ी पहनी है येलो कलर की, अभी दिखाऊंगी अच्छे से। और माही ने कुर्ता, कुर्ता पजामा, जामा 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 नहीं होता, कुर्ता पजामा काला काला होता है। ओके, बच्चे वगैरह सब ने खाना खा लिया और वो नीचे पटाखे चलाने भी गए और मेरा फास्ट था तो अब मैं खाना खाऊंगी। तो बहुत तेज भूख लग रही है, बीच में तो चक्कर भी आने लगे थे। और मैं हो गई थी नानू से नाराज़ क्योंकि नानू ने चेंज नहीं किया और मैं कह रही थी कपड़े चेंज कर लो, तो वो मुझे देख रहे थे। और मैं खाना खा लिया मैंने, और खाना खाने के बाद तो ना लेने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि पूरे दिन से नहीं खाया था ना, और अब पूरी वगैरह खा ली है तो हैवी हो गया हल वगैरह। और बच्चे नीचे पटाखे चला रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, मुझे पटाखे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दम घुटता है पॉल्यूशन में, इतना ब्लैक ब्लैक हो रहा है नीचे, पर बच्चे नहीं मानते, क्या कर सकते हैं, बच्चे नहीं मानते। और मेरा लिविंग रूम तो मैंने आपको दिखाया ही था, बहुत प्यारा लग रहा है, सब जो भी आ रहा है सब कह रहे हैं बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छी। और बाहर मैंने आज फूलों की रंगोली बनाई है, तो सुबह ही बना दी थी मैंने, दिखाती हूँ। तो ये पत्तियाँ वगैरह हिल गई हैं अभी, तो इधर की उधर हो गई हैं क्योंकि बच्चे जा रहे हैं ना इधर से, तो मैंने ये बनाई थी ये फूलों से ही। कितना पोल्यूशन, बाहर ब्लैक हो गया है। इसमें भी दीये वाली है और उधर मेरी बालकनी है, उधर रूम वाली जिसमें स्टार वाली है। और हालत देखो, वो देखो ये कहीं के कहीं जा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये हमारी वाली लाइट, बाहर तो बहुत धुआं है, मेरे से तो बालकनी में भी खड़ा हुआ जाता क्योंकि मुझे बिल्कुल घुटन होती है ये सब देख के। और नानू बच्चों के साथ हैं, बच्चे पटाखे चला रहे हैं, तो कोई बड़ा तो उनके साथ रहना ज़रूरी है ना, तो
नानू के साथ हैं और मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं आज मेरा फास्ट था और इतना काम करके मैं थक गई सुबह से, मतलब सुबह से आज मैं बिल्कुल भी ना बैठी हूँ ना लेटी हूँ। और आज मम्मी ने ये वाला सूट पहना है, मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी बोलो सबको हैप्पी दिवाली। आप हैप्पी दिवाली। और अभी मम्मी थोड़ी सी ठीक है, वैसे तो पैर में इतना तो अभी दर्द है, ज्यादा तो नहीं खड़ी हो पाती है, बट थोड़ा बहुत ठीक है, तो दिवाली पे चलो। और मम्मी को ये सूट में मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं मम्मी को लेके आई हूँ कि चलो हम थोड़े से सेल्फी लेते हैं, मैं आपकी पिक लेती हूँ, आप ना, क्योंकि वो लोग तो पटाखे चला रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। 10 बजे आए थे बच्चे नीचे से पटाखे चला के और अभी भी शोर हो रहा है और अब तो थक गए हैं, दोनों को नींद आ रही है। इतनी मुश्किल से फैमिली पिक भी कराई है ना कि नींद आ रही है, अब नहीं, फोटो खिंचाते हुए थकान होती है और खेलते हुए नहीं। और आप मम्मी को भी लग रहा है मैं चेंज करूँ, कब आएंगे वो लोग, कब जल्दी से एक फ़ोटो हो जाए फैमिली और कब मैं चेंज करूँ। तो अब मम्मी आप चेंज कर लो, जाओ आराम से उठो। और माही और सनी अब इधर बैठे हैं, दूध पी रहे हैं माही, और अब बस हो गई इनके पटाखे वगैरह, थक गया माही तो बहुत है ना माही, मट्टू थक गए। हाँ अभी घी डाल दूंगी जोत में, तो दोनों सनू अभी टैप बंद कर दो। दोनों ने आज कुर्ता डाला है, कुर्ता पजामा है ना। और मैंने डाली है ये एक साड़ी येलो कलर की, रेडिश पे बॉर्डर है, बहुत सुंदर लग रही है और काफी अच्छी लगी मुझे ये साड़ी पहन के। और ये साड़ी मुझे गिफ्ट करी थी मेरी सासू माँ ने, तो थैंक यू मम्मी। और मैंने आज दिवाली पे पहन भी ली है, तो वो बोल रहे थे जल्दी से पहनना तैयार करके, और मैंने पहन भी ली। मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए आज दिवाली व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली।